भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 62वें परिनिर्वाण दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने किया। इस मौके पर एसोसिएशन के महामंत्री शत्रुघ्न आनंद, कोषाध्यक्ष राहुल पासवान सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा मन अर्पित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर गोपाल प्रसाद और प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल ने कहा, संविधान की कमी नहीं, बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए स्वागत है। ऐसे मंत्री भी आ गए हैं, उनसे भी अनुरोध करें। मीडिया कर्मियों से भी वीडियो बनाते उनका हमारे अंबेडकर के कुछ चित्र पे कुछ अर्पित करने की उनका जो भी योगदान है, आज में जो भी देश में है, भारत के देश में जो शादी करता है उनकी जो परिकल्पनाएं संकल्पनाएं थी, जाति समाज समता समाज की स्थापना, उस भाषण की कुछ बातें आज भी बहुत महत्वपूर्ण है जो नहीं हो रही। सबसे पहले उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने संविधान को क्रिटिसाइज किया था, उसका संविधान सभा में उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले की नीयत ठीक नहीं है या चलाने वाले ठीक लोग नहीं है तो संविधान साथ ही साथ अगर संविधान कितना ही खराब करना हो, अगर उसके चलाने वालों की नीयत ठीक है तो वो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। ये भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 62वां परिनिर्वाण दिवस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ है, जिसके बैनर तले प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शुरुआत हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकाधिक शिक्षक कर्मचारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। और बहुत ही ये खुशी का दिन तो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज ही के दिन जो है देहावसान हुआ था, उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था, लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा रहा कि उसने पूरे मानव जात के लिए एक संदेश का काम किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब का जो जीवन है वह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और उन्होंने बिना किसी जाति धर्म के उन्होंने सबके लिए जो है समान रूप से, चाहे वह संविधान की बात हो या अन्य सामाजिक मुद्दे हो, सब पर उन्होंने जो है सम्यक दृष्टि से काम किया, क्योंकि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज के दिन भारत के एक युग पुरुष और मानवता के अग्रदूत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देहावसान हुआ था। निश्चित रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दे करके हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जो त्याग करना चाहिए उनसे कुछ सीखें।
और निश्चित रूप से जब तक त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं होगी समाज के कल्याण के लिए, तब तक देश का उन्नयन संभव नहीं है।